आज की व्याख्यान में हम भाषा एवं व्याकरण के विषय में चर्चा करेंगे। भाषा और व्याकरण जो कि हमारे एमए चतुर्थ सेम के पाठ्यक्रम में है, किंतु भाषा और व्याकरण की जानकारी सभी के लिए आवश्यक है। भाषा विचारों की सार्थक अभिव्यक्ति को कहते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करता है। भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे भाषा सामाजिक संपत्ति है और जिसको हम अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। भाषा परिवर्तनशील होती है तथा उसकी एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है। भाषा की एक प्रवृत्ति है कि वह कठिनता से सरलता की ओर होती है और प्रत्येक भाषा की एक का उसका एक मानक रूप होता है और एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं तथा बोलियां आती हैं। भाषा मुख्यतः इसके दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा के अंतर्गत जब हम अपने भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा के अंतर्गत जब हम अपने भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा के अंतर्गत जब हम संकेतों के द्वारा समझने का या समझाने का प्रयास करते हैं। व्याकरण के अंग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसमें हम वर्ण, उसके भेद, आकार, उच्चारण इत्यादि के विषय में अध्ययन करते हैं। शब्द विचार, इसके अंतर्गत हम शब्द, शब्द के भेद, उसकी व्युत्पत्ति एवं रचना के विषय में अध्ययन करते हैं। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत हम वाक्य, वाक्य के भेद या शब्दों से वाक्य की संरचना इत्यादि का अध्ययन करते हैं। वर्ण विचार, वर्ण मूल ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला, वर्णों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है। स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या बाधा के होता है वे स्वर कहलाते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता से होते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। स्वर के भेद, पहला है ह्रस्व, इसके अंतर्गत जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा अर्थात कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, ओ। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे अर्थात दो मात्रा काल लगे वे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, जैसे आ, ए, उ इत्यादि। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं और इन्हें हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जब हम किसी का नाम लेते हैं या उसे आवाज लगाते हैं तब भी यहाँ पर तीन मात्राओं के का समय लगता है, या जैसे ओम, इस शब्द में भी तीन मात्रा का काल लगता है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद, पहला है कंठ्य, जिन वर्णों के उच्चारण में जीव कंठ की ओर मुड़ती है वे कंठ्य व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क, ख इत्यादि। तालव्य, जिनके उच्चारण में जीव तालु से स्पर्श करती है वे तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। मूर्धन्य, जिन वर्णों के उच्चारण में जीव मूर्धा, मूर्धा अर्थात दांतों से ऊपर जो खुरदुरा स्थान होता है उसको स्पर्श करती है तो वे मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। दंत्य, जिन वर्णों के उच्चारण में जीव दांतों को स्पर्श करती है वे दंत्य व्यंजन कहलाते हैं। ओष्ठ्य, इसके अंतर्गत जिन वर्णों के उच्चारण में जीव के सहयोग से ओष्ठ परस्पर मिलते हैं वे ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। नासिक्य, प्रत्येक वर्ण के पंचम अक्षर में जिसमें कि नासिका की सहायता से उच्चारण होता है नासिक्य के अंतर्गत आते हैं। ये जो उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद हैं, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य इत्यादि, इनको हम प्रयोग करके देख सकते हैं जिससे कि हमें पता चले कि शरीर के या मुख के किस अंग का प्रयोग हो रहा है। शब्द भेद, शब्द भेद के अंतर्गत दो तरह के शब्द होते हैं, सार्थक और निरर्थक।
सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। शब्द विभाजन पहला है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन। रूढ़ शब्द जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं और अगर वो खंडित भी कर दिए जाएं तो वो क्या होते हैं निरर्थक हो जाते हैं वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे माता पानी अगर पानी पा और नी को अलग अलग कर दिया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। यौगिक यौगिक शब्द जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। और इस प्रकार के शब्द संधि समास इत्यादि के प्रयोग से भी बनते हैं जैसे पीताम्बर विद्यालय इत्यादि। योगारूढ़ ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वे योगारूढ़ शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पहला है तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की जननी है तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि हो गया चंद्र हो गया। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते जिन शब्दों में थोड़ा बहुत अंतर आ गया है वे तद्भव कहलाते हैं। देशज शब्द जो शब्द विभिन्न क्षेत्रों में जो ग्रामीण जन समुदाय है उनके द्वारा जो बोला जाता है वे देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द जो शब्द विदेशी भाषाओं से जैसे अरबी से फारसी तुर्की इत्यादि भाषाओं से जो हिंदी भाषा में आ चुके हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल इत्यादि के कारण परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग वचन कारक इत्यादि का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के तत्वों के अंतर्गत पहला आता है सार्थकता। वाक्य के लिए शब्दों का सार्थक होना बहुत अनिवार्य है अर्थात किसी वाक्य का अगर कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वो निरर्थक है। दूसरा है योग्यता। वाक्य में प्रयोग शब्द प्रसंग के अनुसार ही अर्थ देता हो जैसे राम रोटी खाता है ठीक है लेकिन राम रोटी पीता है यह शब्द प्रसंग के अनुसार भी सही नहीं है और सार्थक भी नहीं है। आकांक्षा वाक्य का पूर्ण अर्थ निकलना आवश्यक है उसमें कोई संभावना न रहे कि वह अधूरा है। पदक्रम वाक्य में प्रयोग शब्दों का सही क्रम होना बहुत ही आवश्यक है। अन्वय वाक्य में प्रयोग क्रिया के साथ लिंग वचन कारक इत्यादि का सामंजस्य होना बहुत ही आवश्यक है। वाक्य के भेद पहला है रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। यहाँ पर एक उदाहरण देखिए राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर राम उद्देश्य है जो एक ही है पुस्तक पढ़ना विधेय है अर्थात एक उद्देश्य है एक विधेय है तो यहाँ पर सरल वाक्य है। मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हों वे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य संयुक्त वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक प्रधान उपवाक्य के समकक्ष होते हैं। अर्थ की दृष्टि से पहला है विधानवाचक जिस वाक्य में क्रिया होने या करने का सामान्य कथन हो वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। निषेधवाचक जिस वाक्य में क्रिया के न होने का बोध हो निषेधात्मक कहलाता है। प्रश्नवाचक जिस वाक्य में प्रश्न किए जाने का बोध हो वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। विस्मयादिवाचक वाक्य में जिस वाक्य में हर्ष शोक घृणा इत्यादि का भाव हो
वे विस्मयादिबोधक कहलाता है। आज्ञावाचक, इसके अंतर्गत जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा या अनुमति का बोध हो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक, जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह या संभावना प्रकट हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। संकेतवाचक, जिस वाक्य में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। क्रिया की दृष्टि से भेद, क्रिया की दृष्टि से पहला भेद है कृतृवाच्य। जब वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार हो उसे कृतृवाच्य वाक्य कहलाते हैं वे। कर्मवाच्य, जब वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार हो तब वह कर्मवाच्य वाक्य कहलाता है। भाववाच्य, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता एवं कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है वह भाववाच्य वाक्य कहलाता है। तो इस प्रकार आज हमने भाषा एवं व्याकरण को